और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। जी हां, दो दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा और उस पर सफाई भी दे दी, लेकिन बीजेपी ने खड़गे को रिहाई नहीं दी। खड़गे के बयान को ही हथियार बनाकर पीएम मोदी ने कर्नाटक के चुनावी दंगल में एंट्री ले ली। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने अब तक 2-4 नहीं बल्कि 91 बार गालियां दी है। मोदी अंदर है, अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कर्नाटक की चुनावी गलियों में दाखिल होते ही पीएम मोदी ने कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियों का पुलिंदा खोला। खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान से आगाज कर अतीत की सारी गालियां उंगली पर गिना दी। बीदर जिले के हनुमानाबाद में अपनी रैली के मंच से पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस उन्हें लगातार गालियां दे रही है, जो अब सिर्फ शतक से 9 गालियां दूर है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। बीजेपी ने जैसे ही कर्नाटक के चुनावी नफे नुकसान को पहले तौल लिया था, सत्ता के खिलाफ नाराजगी को ट्विस्ट देने के लिए खड़गे की टिप्पणी में उसे कांग्रेस के खिलाफ माकूल हथियार दे दिया और पार्टी कांग्रेस नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ हुई तमाम बदजुबानियों की फहरिस्त खोलने लगी। बीजेपी ने खड़गे के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी और आगे भी पीएम के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणियों को चुनाव में भुनाने का पूरा प्लान बना लिया है। तय यह हुआ है कि प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के तमाम नेता अपनी सभाओं में कांग्रेस नेताओं की पीएम को लेकर दी गई विवादित टिप्पणियों को लगातार मुद्दा बनाकर रखेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक इसी पर मीडिया में बयान भी देंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में एयरपोर्ट पर उतरकर सबसे पहला बयान कांग्रेस की बदजुबानी पर दिया। मोदी जी सांप नहीं, देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन भी देती है और स्फूर्ति से भर देती है, वैसे मोदी जी ने देश को नव जीवन दिया है। कांग्रेस विश्वकुंभ बन गई है, मोदी जी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कभी कहते हैं मोदी मौत के सौदागर हैं, कोई कहता है सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप हैं, कोई उनको नीच बोलता है। कांग्रेस के विश्वकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विष पान करने वाले नीलकंठ है।